अजय यार, मन तो करे कि खेड़ो सिंधी कलाम बुधा, बट किथे बुधा यार। ना मूं वटि यूट्यूब ते त अॼुकल्ह वीडियो थो हले, बट मूंखे गाना ॿुधणो आहे। ये छा है? सिंधी रेडियो स्कैन एंड स्टार्ट द रेडियो। ओके हलो ॾिसो था छा आहे। क्या बात है, ये तो जाम सही से आ यार। ताकि खबर तो रेडियो के ठाडो आ न त अजय एपिसोड में असा तांजे लाए जाम तमाम वेबसाइट है एप्लीकेशन खणींदासी ऐं उन्हनि जे पुठियां जेको शख़्स आहे उन्हनि जो बि इंट्रोड्यूस कंदासीं। त हलो त शो जी शुरूआति कयूं था हिन फ्रेश एपिसोड में, जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो। त अॼु असांजे साम्हूं आहिनि दीपक केसवानी भैया, जेको रेडियो सिंधी, सिंधियत ऐं तमाम ई एप्लीकेशन सिंधियुनि लाइ ठाहियो आहे। त भैया प्लीज़ तव्हांजी जर्नी जे बारे में असांजे ऑडियंस लाइ ॿुधायो कुझु। ज़रूरु। जय झूलेलाल, मां दीपक केसवाणी आहियां। मां हिकु सिंपल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली खे बिलोंग कंदो आहियां। त मुंहिंजे कॾहिं काई ईअं सोच न हुई की मां कुझु भई सिंधी या सिंधियत जे लाइ कुझु कंदुमि जी। मुंहिंजा मम्मी पापा सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट हुया। मुंहिंजा दादा जेके हुया सिंधी में शौक़ जे तौर ते ॻाईंदा हुया। त जीअं हर हिकु सिंधीअ जी एक्चुअली हिस्ट्री रही आहे के जीअं शुरूआत में माण्हू खाधे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर जे पुठियां भॼंदो आहे, हिकु दफ़ो सेटल थींदो आहे त उनखे पोइ उनखे पंहिंजी सिंधियत यादि ईंदी आहे। जीअं मुंहिंजे सां बि ईअं ई थियो। वंस मूंखे नौकरी मिली वई ऐं ठीक सां लाइफ थोरी हलणु लॻी त मूंखे लॻो की मुंहिंजे ॿोलीअ जे लाइ कुझु करणु खपे। त मुंहिंजा दादा ॻाईंदा हुया त मां चयो हलो थोरा उन्हनि जा गाना रिकॉर्ड करे इंटरनेट ते विझां। त उन ज़माने में इंटरनेट ते सिंधी गाना न हूंदा हुआ। MP3 हिकिड़ो नओं कॉन्सेप्ट हुयो। त 1998 में मां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे दादा जा सिंधी में गाना विधा। त उनखे चङनि ई ॼणनि पसंदि कयो ऐं कुझु सिंधी कलाकारनि खे, मतिलबु उहे ॿाहिरि फॉरेन टूअर ते विया, उन्हनि खे ख़बर पई की जेके उन्हनि जा ऑडियंस आहिनि उहे उते इंटरनेट ते सिंधी में गाना ॿुधा अथऊं। त उहे उन्हनि कुझु आर्टिस्ट मूंखे अप्रोच कयो। क्या बात है। त असांजा बि त गाना विझो न, तव्हांजे दादा जा विधा आहिनि। त अहिड़े तरह सां जर्नी शुरू थी। मां सिंधी जेके कलाकार आहिनि उन्हनि सां जुड़ंदो हुयुमि। उन्हनि जा जेके गीत संगीत आहिनि सुठा, उहे मां ऑनलाइन उन्हनि जा शेयर करणु शुरू कया। त पोइ चङे ई वक़्त खां पोइ मूंखे ईअं अहसासु थियो की जाम सुठी कलेक्शन ठही वई आहे, त इनखे छो न हिकु स्टेशन जे फॉर्मेट में प्रेज़ेंट कयो वञे। त 2011 में मां इनखे रेडियो सिंधी खे शुरू कयो ऐं उन में हिकु स्टेशन खां शुरू कयो। अॼु 12 साल पूरा थी विया आहिनि। अॼु असां वटि 10 स्टेशन्स आहिनि। क्या बात है। ऐं उन ते न सिर्फ़ु हिकु पर अलाए, मतिलबु अनगिनत असां सां कलाकार जुड़नि था, पंहिंजा गीत संगीत मोकिलनि था की असांजा बि गाना तव्हां पंहिंजे स्टेशन ते हलायो। फिल्मी म्यूज़िक आहे, कलाम आहिनि, ऐं रिसेंटली त असां हिकु कन्वर्सेशन स्टेशन बि चालू कई आहे। कचहरी ऐं टोटका, मतिलबु तव्हां जेका जीअं असां ॻाल्हायूं था, हिनखे सिंधीअ में कचहरी चइबो आहे। टोटका मतिलबु जोक्स थींदा आहिनि। त उन में सिर्फ़ु टॉक सां रिलेटेड स्टेशन आहे। त उन में तमामु इंट्रेस्टिंग आहे, हिकु नई स्टेशन शुरू कई आहे। त हे हिकु थियो रेडियो सां जेको, पर रेडियो अकेलो मां शुरू न कयो। साण साण चङई वेबसाइट्स ऐं चङो ई मोबाइल एप्लीकेशन्स बि शुरू कया। जीअं त जीअं असांजे ऑडियंस खे ख़बर पए की पहिरियों त हिकु रेडियो सिंधी आहे, उनखां पोइ सिंधियत आहे, सिंधियत ते सिंधियत.com आहे। उन ते किताब रखिया आहिनि 200 खां वधीक सिंधी किताबनि, जेके अरबी सिंधी में या देवनागरी या इंग्लिश टिनी इन्हनि में आहिनि। ऐं उन में कुझु किताब ऑडियो फॉर्मेट में बि आहिनि, तव्हां ॿुधी बि सघो। तव्हांखे पढ़णु न ईंदी आहे त तव्हां जस्ट वञो, उहो पाण ई पेज पढ़जंदो बि वेंदो। डिक्शनरी आहे उन में, देन उन में कैलेंडर फैसिलिटी उन में बि ॾिनी आहे, देन
आहिनि हुन जे अंदरि टाइपिंग ॾुखी आहे त हुन में कीबोर्ड आहे जाम जेको रिक्वायरमेंट हूंदी आहे न सिंधी जातीअ सिंधी ॿोलीअ खे अॻियां वधाए हुन जे अंदरि सभु ठाहियो आहे हुन खां पोइ सिंधी टिपणो करे हिकु ऐप ठही आहे जेका ॾहनि सालनि खां वधीक असां हलायूं था पिया जी त शुरू शुरू में छा थींदो मां टिपणा मतिलबु जेके कैलेंडर हूंदा सिंधी में उहे मां वठी करे ॾींदो हुउमि माण्हुनि खे दोस्तनि खे पाए बाए पोस्ट पर एॾा माण्हू वधी विया मूंखे ॾे मूंखे ॾे त पोइ असां हुन जी ऐप ई ठाहे छॾी ऐं हाणे ऐप सभु डाउनलोड था कनि अॼु असां वटि 50,000 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि उहे यूज़ था कनि सिंधी टिपणो असांजो वीचार छा हुयो की अगरि तव्हांखे सिंधियुनि खे सिंधी कल्चर सां जोड़णो आहे त उन्हनि खे ख़बर हुजणु खपे की उन्हनि जा ॾिण कहिड़ा आहिनि हिकु दफ़ो ॾिण जुड़ंदा त ॾिण सां गॾु उन जा रिचुअल जुड़ंदा रिचुअल जुड़ंदा त सभु धीरे धीरे पाण सां कल्चर अञा बूस्ट थींदो हा त टीजरी ख़बर आहे पर कॾहिं थी अचे थधरी ख़बर आहे चालीहो ख़बर आहे चेटीचंड त उन जा ॾींहं सभु तव्हांखे हुन में मिलनि था पिया देश विदेश सभिनी हंधि माण्हू डाउनलोड था कनि ऐं ख़ुशि थींदा आहिनि तीअं साॻे तरह सां सिंधी कलाकार आहे जंहिंमें सिंधी कलाकारनि खे असां प्रमोट कंदा आहियूं जी मां उन में वरी पोइ डिटेल में तव्हांखे अॻियां बि ॿुधाए सघंदो आहियां की कीअं उनखे असां टेक्निकली पुश कंदा आहियूं तव्हां हा तव्हां ॿुधाए सघो था ऐं मूंखे ॿुधायो तव्हां सिंधी कलाकार में जीअं मां ॾिसां थो की स्पेशली तव्हां गुरमुख अंकल खे जाम बूस्ट कंदा आहियो की उन्हनि जे पुठियां कुझु छा मतिलबु हीअं बि हूंदो न की जाम कलाकार तव्हांखे अची करे चवंदा आहिनि की तव्हां सिर्फ़ु उन्हनि खे ई बूस्ट था कयो असांखे बूस्ट नथा कयो त उन्हनि जे पुठियां छा रीज़न आहे त उनजे पुठियां ईअं आहे की जॾहिं हे लाइन मतिलबु अहिड़े तरह सां शुरूआत कई त उन में सभिनी खां पहिरियों कलाकार जेको हुयो उहो गुरमुख भाई आहे जी उन्हनि सां उन्हनि जे फादर उन्हनि सां मां मिलियो हुउमि ऐं उन्हनि खे विश्वास जॻायो की भई मां हे जेके तव्हांजा गीत आहिनि उन्हनि खे सेफली तव्हांजे नाले सां ई पहुचाईंदुमि उन्हनि खे मुंहिंजे मथां जाम सुठो विश्वास हुयो त ईअं त असां सिंधी कलाकार .com ते 250 कलाकारनि खे प्रमोट सिंधी 250 कलाकारनि खे प्रमोट था कयूं पिया पर गुरमुख भाई जी हिकु ख़ासि ॻाल्हि हुई न की सिंधी कलाकार हिकिड़ो असां प्लेटफॉर्म था ठाहियूं ऐं सिंधी कलाकार हिकिड़ो पाण में आर्टिस्ट आहे त मोस्टली प्लेटफॉर्म प्रमोट्स द आर्टिस्ट पर हो जॾहिं मशहूरु थियण लॻा न त उन्हनि जी ख़ासि ॻाल्हि आहे उन्हनि खे लॻो भई दीपक भाई मुंहिंजो नंढो भाइरो आहे त हिन खे बि मां अॻियां वठी हलां जी, त हो असांजे रेडियो खे बि जाम सुठे नमूने सां उनखे प्रमोट करणु लॻा त इन्हनि सां थोरो इन जे करे उन्हनि सां थोरो लॻाव आहे लॻाव आहे की हो असांजे प्लेटफॉर्म खे बि अॻियां पुश कंदा आहिनि ऐं त ईअं लॻंदो आहे की छो न असां उन्हनि सां गॾिजी करे अॻियां उन्हनि खे बि अॻियां रखूं गुरमुख अंकल जी ॻाल्हि हिकु एक्चुअली अलॻि ई आहे जीअं असां बि उन्हनि खे हिकु दफ़ो पंहिंजो फ़ोन कयोसीं पॉडकास्ट लाइ त उन्हनि कुझु सवाल न पुछियो त हीउ तमामु सुठो असां वेठा ऐं जेॾीमहिल बि असां मंदरु वेंदासीं चालीहे साहिब में त जेॾीमहिल बि हू असांखे ॾिसंदा हुआ मूंखे स्पेशली ॾिसंदा हुआ उहो माइक ते अनाउंस कंदा हुआ की असां उन्हनि जी ॻाल्हि हाणे उन्हनि जी ॻाल्हि त ईअं आहे की मतिलबु हज़ारे माण्हू अचनि था पिया जी हज़ारे माण्हुनि जा नाला ऐं उन्हनि जूं तकलीफ़ूं बि उन्हनि खे ख़बर हूंदियूं हिन खे शादीअ लाइ वेठो आहे हिन जे हिन घर में कोई ठीकु कान्हे हिन खे हे आहे न त न सिर्फ़ु ओतिरो शिकिल ॾिसी सॼी उन्हनि जी हिस्ट्री उन्हनि खे यादि अची वेंदी आहे क्या बात है क्या बात है आई मीन उन्हनि जो हिकु औरो ई हिकु डिफरेंट आहे ऐं मूंखे ईअं लॻे थो चालीह साहिब या विदाउट जीअं बि तव्हां उन्हनि खे सॼे साल में कॾहिं मिलियो प्रोग्राम ते या किथे बि हिकु त मुंहिंजा फेवरेट सिंगर आहिनि उहो ऐं जीअं उहो स्टोरी टेलर बि जाम सुठा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी हिस्ट्री जे बारे में बि तमामु ई सुठो उन्हनि जो नॉलेज आहे त भैया मूंखे ॿुधायो पंहिंजे हिस्ट्री में जीअं असां वञूं था चाहींदसीं की मां थोरो असां हिंदी में ॻाल्हायूं अगरि जेके असांजा नॉन सिंधी ऑडियंस आहिनि उन्हनि खे बि थोरो ख़बर पए पंहिंजे कल्चर जे बारे में कहिड़ो ब्यूटीफुल कल्चर आहे त इहे जो मैं पूछण जा रहा हूँ भैया को क्वेश्चन की जो हमारे लैंग्वेज है हम बोलते तो सिंधी देवनागरी में मतलब बोलते तो सिंधी में तो उसको लिखने का जो तरीका है लोग कोई हिंदी में लिखता है कोई देवनागरी में लिखता है कोई लिपि में लिखता है कोई किस किस को लगता है कि हम लोग उर्दू में लिखते हैं तो मैं चाहूँगा भैया कि वो जो बीच की मिरर है ना वो आप निकाल के सबको गाइड करें कि एक्चुअल लैंग्वेज क्या है कैसे लिखते हैं एंड जब सिंध में थे तब वहाँ पर क्या लिखते थे और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ज़रूरु ज़रूरु सो हुआ ऐसे था कि सिंध जो था
छोटे छोटे ज़िलों में फैला हुआ था, तो हर एक जोन में ना अपनी अपनी एक शैली होती थी जिसको हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं, और उनका अपने तरह से बोलने का तरीका होता था, और उसमें ना जो स्क्रिप्ट है एक स्टैंडर्ड नहीं थी, हटवाण की, खुदावादी, ऐसे अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स होती थी। तो अंग्रेज़ों के टाइम पे ये जो है ना, एक्चुअली ऐसे है कि उनको ऐसे तकलीफ़ होती थी कि जब भी वो ऑडिट करते थे अकाउंट्स की, तो क्योंकि वो हटवाण की स्क्रिप्ट ही ऐसे थी कि सिंधी खास करके उसको यूज़ करते थे ताकि कोई डिकोड नहीं कर सके कि हम कितना कमा रहे, क्या करें, तो टैक्स कितना। तो उन्होंने चाहा कि हम ना एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट बना लेंगे तो सब लोग एक समान आ जाएंगे और फिर उसको हम समझ पाएंगे। तो अंग्रेज ऐसे लोग बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो अरेबिक स्क्रिप्ट है इम्पोज की थी, पर ऐसा है नहीं। उन्होंने प्रॉपर सब लोगों को इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर एक रिसर्च कमिटी बिठाओ और हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज चाहिए। तो उसमें कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और जो स्पेशलिस्ट थे उसमें आए, तो उन्होंने वहाँ पे अलग अलग देवनागरी लिपि थी पर उन्होंने अरेबिक के एक अलग फॉर्मेट को उन्होंने अप्रूव किया कि ये जो है ना ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, इसको लेके हम आगे चल सकते हैं। तो 18th सेंचुरी के मिड में हमने वो जो हमारी जो सिंधी लिपि है वो बनाई। अरेबिक अलग है, हमारी अलग है, क्योंकि कई सारे जो शब्द है जैसे ड ग ज ञ ये सब अरेबिक में आपको नहीं मिलेंगे, ये हमारे स्पेशलिटी है और हमने अपनी लिपि खुद की बनाई है जिसको हम सिंधी लिपि कहते हैं। लोग उसको अरेबिक, क्योंकि हम लोग राइट से लेफ्ट लिखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो अरेबिक, बट वो हमारी अपनी अलग लिपि है। फिर हुआ ऐसे कि जब हम यहाँ पे आए, हिंद में आ गए यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं वो जो है ना हमें यहाँ पे इंडिया में रहते तो हमें देवनागरी को पुश करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि देवनागरी में पुश करें। फिर आजकल मतलब आज से 8-10 साल पहले देखो कि तो एक कमेटी सिंधियों में बैठी थी जिन्होंने कहा कि हमें, क्योंकि यंगस्टर्स जो दुनिया भर में फैले उनको तो देवनागरी भी नहीं पता है, तो उनके लिए फिर उन्होंने रोमन बनाई। तो मैं किसी भी लिपि के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मेरा ऐसे मानना है आप शुरू करो तो आप जो है रोमन में शुरू करते हो, बहुत आसान है, चैटिंग में हम लोग वही यूज़ करते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट भी है जैसे ड ग ज रोमन में कैसे लिखें, क्योंकि आप पढ़ोगे तो द पढ़ोगे ना, मैं लिखूंगा डेडर तो आप उसमें डी ई डी ए आर लिखोगे, आप वो उसको देदर भी पढ़ सकते हो, डेडर भी पढ़ डेडर भी पढ़ सकते हो, तो उसने उसको भी स्टैंडर्डाइज किया हो। तो आप शुरुआत में आप स्टैंडर्डाइज रोमन शुरू कर सकते हो, उसके बाद अगर आप लिटरेचर एक्सप्लोर करोगे ना तो रोमन में ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल बुक्स नहीं है, नहीं है, तो फिर आप देवनागरी में जाओगे, देवनागरी में भी आपको कई सारे बुक्स मिल जाएंगे। बट मेरा ऐसे मानना है कि अगर आपको अल्टीमेट कलेक्शन चाहिए कि हमारा लिटरेचर कहाँ कितना वास्ट है, तो वो आपको हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ही मिलेगा। उसके अंदर हजारों में, हजारों या लाखों में किताब है जिसमें हमारे सेवन खाने के जो अलग अलग तरीके थे, या कुदरती इलाज से रिलेटेड किताब है कई सारे, या हमारे जो बड़े बड़े जो जैसे हम शाह सचल सामी कहते हैं, तो इनके बारे में अगर आप समझना चाहते हो तो वो आपको देवनागरी या रोमन में ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आपको उसको हमारी जो ओरिजिनल लिपि है उसमें ही जाना पड़ेगा। तो मैं कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि हम कैसे चूज करें, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि शुरुआत में आप रोमन ले लो, रोमन कैसा है, एक लेक के तरह है, ठहरा हुआ पानी है, आप स्विमिंग करो या बोट चलाओ कोई आपको तकलीफ नहीं है, तो बहुत आसान है, ठहरा हुआ पानी एक लेक की तरह है, बट उसका दायरा बहुत लिमिटेड है, लेक ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। तो फाइनली आपको उसमें आपको लगेगा कि ये तो पूरा कवर हो गया, उसके बाद फिर अगर आपको और ज्यादा समझना है तो हम एक रिवर का एग्जाम्पल, नदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो देवनागरी है जी, उसमें वास्टनेस है, लेक से बड़ी है, तो वो एक छोर से शुरू होती है दूसरे छोर तक जाती है, पर उसमें लहरें हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्टी लेक से उसमें ज्यादा, पर अल्टीमेट अगर आपको चाहिए तो जो हमारा लिपि है उसमें पूरा समुंदर है, फाइनली आपको समुंदर में जाना पड़ेगा और उसका कोई अंत ही नहीं है, वहां पे आप इतनी सारा कल्चर लिटरेचर सब सीख सकते हो, सब समझ सकते हो। क्या तो ये एग्जाम्पल मैं सबको देता हूँ कि इस तरह से आप चूज कर सकते हो कि मुझे कहाँ पे स्विमिंग करनी है, कहाँ पे बोट चलानी है।
थैंक यू सो मच भैया इतनी इंफॉर्मेटिव हम लोग को बताने के लिए. मेरे नॉन सिद्धी ऑडियंस भी बहुत ही इंटरेस्ट से ये पॉडकास्ट देखते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं सिंधी लैंग्वेज की तरफ, क्योंकि हम लोग की जो सिंधी लैंग्वेज है इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी स्वीट लैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे एक इजीली कोई भी नॉन सिंधी ऑडियंस, नॉन सिंधी गाय, नॉन सिंधी लोग सीख सकते हैं. तो वैसे ही मैं चाहूँगा जैसे हमारे नॉन सिंधी ऑडियंस है जितने भी, उनके लिए कुछ ऐसा सीखने लायक या कुछ ऐसा चैलेंजिंग या कुछ भी ऐसा आप अपनी तरफ से देना चाहें तो है तो कई सारे. एक सिंपल सा मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कुछ वक्त पहले कि सिंधी में एक वर्ड है उसको बोलते हैं विरले. तो मैंने उसमें कहा था कि छा तां कदी ध्यान ॾिनो आहे कि जेको विरले अखर आहे वो तमामु रेयरली यूज थींदो आहे. एंड देन उसमें बस मैं स्माइल कर रहा हूँ और उसमें तो एक्चुअली वो उसका मज़ा ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि विरले अखर बहुत रेयरली यूज होता है. विरले का मतलब ही रेयरली है के एक तरह का एक मजाक भी है तो जिन लोगों को समझ में आता था वो खुश होते थे. अच्छा ये तो अच्छा है. देखो आपको बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे सीखने मिल रही है. तो वापस हलूँ था सिंधी में, वापस पंहिंजे ऑडियंस वटि वञू था. त मूंखे ॿुधायो भैया फ्यूचर में जीअं असांखे सपोज टेक में अचिणो आहे त छा गाइडेंस हूंदो असांजे यूथ लाइ इन जे बारे में? ख़ासि मां थोड़ो कुछ ॻाल्हाइणु चाहींदुमि. मां छा ॾिसंदो आहियां अॼुकल्ह जेको कल्चर हले थो पियो उहो इंस्टाग्राम हुजे या यूट्यूब हुजे या जेके अॼुकल्ह शॉर्ट्स हलनि था सोशल मीडिया ते, त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे कि सभु जेके यंगस्टर सिंधी आहिनि अचानक सां टपो ॾिनो थो मां बि कुझु कयां मां बि कुझु कयां, त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे. पर हिकु मूंखे ॻाल्हि जेका न वणंदी आहे न कि हिकिड़ो वीडियो वायरल थींदो आहे त हिकिड़ो माण्हू ॿिए माण्हू जे पुठियां ॾुक थो पाए त पोइ ॿिया बि सभु हुन जे मथां पंहिंजा रील सभु हुन तरह सां ठाहिण जी कोशिशि कंदा आहिनि. सो वॉट आई फील दे गेट इंफ्लुएंस्ड ॿियनि जे रील्स जे मथां जस्ट बिकॉज मूंखे जाम वायरल करिणो आहे वीडियो त हुनखे फॉलो करे उहो पंहिंजो हिनखे कंदा आहिनि. त मां सजेशन ॾींदुमि तमामु सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां सोशल मीडिया ते आयो त इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो तव्हां कंटेंट ॻोल्हे रहिया आहियो ऐं जेको वायरल थिए थो हुन जे मथां तव्हां पंहिंजा था ठाहियो. मां चवां थो तव्हां सोन जी खाण जे मथां वेठा आहियो. असांजो कल्चर एॾो वॾो आहे, एॾो वास्ट आहे ऐं हिकु ॻाल्हि जेका तव्हांखे उन खाण खां पढ़े करे रखी वेठी आहे उहा आहे ॿोली. अगरि तव्हां पंहिंजी ॿोलीअ खे ठीक सां सम्झंदो ऐं उनखे कंदो न त उनजो अंत ई कान्हे. असां पाण ॿियनि खे इन्फ्लुएंस करे सघंदा आहियूं. जीअं रिसेंटली किशन भाई आहिनि उन्हनि हिकिड़ो वीडियो ठाहियो, किशन रामनानी, हा किशन भाई, उन्हनि वीडियो ठाहियो त उन्हनि हिकु नई एरिया उन्हनि एक्सप्लोर कई. उन में हो कि असां छा असांजा टे त्रिमूर्ति चवंदा आहियूं लिटरेचर में वेंदा आहियूं झूने ज़माने जा जेके उनखे शाह सचल सामी चवंदा आहियूं. शाह त शाह साहब सत सूरमियूं जे मथां लिखी विया आहिनि त दीज आर सेवन करेजस वूमेन. त उन मां उन हिकु जेका सूरमी आहे उनखे खणी करे उनजी सॼी स्टोरी ॿुधाई उन में. त उहो जाम तमामु माण्हुनि खे पसंदि आयो कि उहो जेको आहे सतनि सूरमियुनि मां हिकु सूरमीअ जी हिन स्टोरी ॿुधाई. त मुंहिंजो चवणु आहे कि अगरि तव्हां सिंधी म्यूज़िक चवंदो न त शाह जे अंदरि खज़ानो आहे. हिकु हिकु सूरमी जे मथां सुर ठहियल आहिनि. सुर सोरठ चवंदा आहिनि, सुर कल्याण चवंदा आहिनि. त उनखे अगरि तव्हां रिफर कंदव त उनजो अंत ई कान्हे. तव्हां शाह साहिब जे शाह जो रिसालो चवंदो उन मां तव्हां स्टोरीज़ खणी सघंदा आहियो. उनखे तव्हां सिंप्लीफाई, इट इज़ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, उनखे तव्हां सिंप्लीफाई करे खणी अचो त सिंधी ख़ुशि थींदा कि अरे हिन असांजे कल्चर जे बारे में असांखे ई ख़बर न हुई एक्चुअली. त दैट इज़ अ ह्यूज एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन. तव्हां उन में छो नथा वञो? हे त शाह जी ॻाल्हि कयूं, सचल चऊं, सामी चऊं ऐं घणा मतिलबु हिकु ॿी बि ॻाल्हि ॾिसंदा आहियूं हुन जाम रील्स में ईअं बि हूंदो आहे भई कंहिंजा मां पैसा खणी करे कुझु वरितो. इट इज़ ओके त धोखाधड़ी आहे हे सभु, इट दे हैव मेड इट एक्सेप्टेबल. असां सिंधी जेके आहियूं असां मिठ मुहबत सिक प्रेम ऐं असां जेके आहियूं असां स्पिरिचुअल माण्हू, असां उन ज़मीन खे बिलोंग कंदा आहियूं जिते जिते शाह सचल सामी हुया, जिते भगत कौर आमियो, जंहिं ज़मीन खे संतनि फ़क़ीरनि जी ज़मीन चयो वेंदो ऐं अॼु असां
उन कल्चर के छे असा बेन के डिसी करे असा इन्फ्लुएंस था थियूं जी असा के पेंजे कल्चर के पेंजे जेको जमीन ता आया हूं उन के याद करण खपे उनन गालियन के खणी करे अगया प्रमोट करण खपे उन जे मथा असा के रील ठान खपन प्रमोट करण खपन त मानू आई एम श्योर जाम मानू उन के रिसेंटली असा दीदी लता जो एकरो गीत आ जमे सुखमनी शेयर कियो तो उन में चंगन मानन उन में रील जे उन में लिखियो आ के मुंजी मम्मी ए पापा जी मतलब सुबह जी शुरुआत इन गीत सा हुंदी सुखमनी सा हुंदी तो ओ गीत उनन जे अंदर में होयो जहन में होयो बट एक रील जे सा उनन के उनन जी नंडपण याद अची वे तो मुंजो चवणा के अगर ता उन के एक्सप्लोर कंदो तो ता के नंडपण छा ता त जनरेशंस पुठिया वणी सकंदा हो क्या बात है बिकॉज़ सिंधी एतरा असां वटि कलाकार खां वेंदे संत महापुरुष हाणे त ॾिसंदासीं त असां ज़ीरो खां स्टार्ट कयो असां वटि कुझु बि न हो जेॾीमहिल असां पंहिंजे सिंध छॾे करे असां हिंद में आयासीं उन खां पोइ असां स्टार्ट कयोसीं ज़ीरो खां ज़ीरो खां स्टार्ट कंदे कंदे अॼु सिंधी लैंग्वेज जीअं असांजो फस्ट एवर पॉडकास्ट चालू थियो आहे जीअं तव्हांजो सिंधी रेडियो चालू थियो आहे जीअं सिंधी ऑथर आहिनि सिंधी बिज़नेसमैन आहिनि सिंधी शेफ आहिनि जीअं हाणे रिसेंटली तव्हां मास्टर शेफ़ में ॾिसंदव उहो सिंधी शेफ़ आहे त असांजो जेको सिंधी कल्चर आहे उहो असां हाणे बूस्ट था कयूं असां प्रमोट था कयूं जीअं अचण वारी जेका पीढ़ी आहे अचण वारी जेका यूथ आहे उन्हनि जे लाइ कुझु हुजे ॾिसो अॼुकल्ह माण्हू वटि ओतिरो टाइम न हूंदो आहे की वञी करे बुक पढ़े या छा अॼुकल्ह हे फ़ोन अची वियो आहे जस्ट दे हैव टू सर्च दे हैव टू वॉन्ट समथिंग त उहे वेंदा गूगल ते सर्च कंदा उन्हनि खे सॼो मिली वेंदो यूट्यूब ते वेंदा सॼो मिली वेंदो जीअं असांखे मूंखे हाणे अॼु गानो ॿुधणो हो कलाम ॿुधणो हो त मां हूअं ई स्टार्ट कयो सिंधी रेडियो जस्ट स्कैन कयो ऐं एतिरो फास्ट एप्लीकेशन एतिरो फास्ट ऐं तव्हां चयो था एतिरा कलेक्शन्स आहिनि गाना जा थैंक यू सो मच तव्हां असांजे शो ते आयो इट्स रेडी रेडी टू प्रेजर टू हैव अ हियर इट्स ऑनर टू हैव अ हियर तव्हांजे बारे में तव्हां एतिरो असांजे सिंधियत लाइ कयो था इट्स रियली थैंकफुल टू यू ऐं थैंक यू तव्हां असांजे शो में आयो तव्हांखे शो में अची करे कीअं लॻो पियो आहे मतिलबु मूंखे तमामु सुठो लॻो हिकदमि प्रोफेशनल तव्हां सेटअप ठाहियो आहे ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए की तव्हां हीउ नओं शो जेको स्टार्ट कयो आहे तमामु सुठे नमूने सां तव्हां हलाए रहिया आहियो ऐं आई एम श्योर की इन जा सवें हज़ार एपिसोड्स ईंदा तव्हां वॾनि वॾनि कलाकारनि खे बि पंहिंजे अञा बि वॾनि वॾनि कलाकारनि खे पंहिंजे स्टूडियो में घुराईंदव असांजो या रेडियो सिंधीअ तरफ़ां फुल शुभकामनाउनि तव्हांखे के इहो शो अॻियां बि वधे ऐं तमामु सक्सेसफुल थिए थैंक यू सो मच फॉर दैट ऐं हिन मिशन में असां सां गॾु हिकु असांजो स्पॉन्सर आहे गिफ्टिंग पार्टनर आहे नेशनल ट्रेडर्स करे उन तरफ़ां तव्हांजे लाइ हिकु नंढो गिफ्ट आहे मां चाहींदुमि की तव्हांखे ॾियण लाइ त दिस फॉर यू फ्रॉम नेशनल ट्रेडर्स थैंक यू फॉर दैट थैंक यू सो मच